तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर कटलेट। तो उसके लिए हमने ले लिया है ये उबला हुआ आलू, जिसको हमने मैस के रख लिया है। अब इसमें हम मिलाने के लिए लेंगे हरा मिर्चा, ये चाट मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, नमक, ये हमने ले लिया है पनीर जो हाथों से मैश के हमने रखा है। आप चाहे तो टुकड़ों में भी ले सकते हैं। ये हमने लिया है सूजी, ये हमने लिया है छानने के लिए तेल। आइए, इसे बनाने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं मिर्ची, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन पेस्ट, चाट मसाला। इसे अच्छे से मैश लेंगे। इसको भूनना नहीं है, इसे हाथों से ऐसे ही मैश लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, तकरीबन हाफ टी स्पून। अब इसे हम करेंगे लोई बना लेंगे। इसमें हम पनीर को भरेंगे। इसे इस टाइप से चपटा कर देंगे, ये देखिए। सभी को इस टाइप से बना लेंगे। इसी टाइप से बारी बारी करके सभी को हम टिक्की बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारे को टिक्की को बना कर रख लिया है, तैयार कर लिया है। अब इसे हम छानेंगे। तो छानने के लिए हम इसे पहले सूजी में डिप करेंगे। लपेटेंगे अच्छे से एकदम, ताकि ये आलू दिखाई ना दे। अब हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें डाल दिया है तेल। तेल गर्म हो गया है, अब इसे हम डालेंगे। अच्छे से हमने सारे में लगा दिया है। पलट पलट करके घुमाकर सभी में लगा दें अच्छे से। अब इसे हम छानेंगे। अब इसे हम लाल होने तक छानेंगे, तलेंगे। देखिए, ये तलकर लाल हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बारी बारी करके सभी को छान लेंगे।
इसे भी लाल होने तक तलेंगे। ये देखिए ये भी लाल हो गया है, छन गया है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा पनीर कटलेट बनकर तैयार हो गया। तो अब इसे हरे चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व करें और खाएं इसे नाश्ते के रूप में। देखिए बहुत टेस्टी लगता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये खाने में कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।